सो फाइनली वी आर हेयर इन दिस वर्कशॉप। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप में। मैं आशा करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मज़े में हो, अपने परिवार के साथ स्वस्थ हो और इस COVID-19 की पेंडेमिक में, इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में अपने परिवार का ख्याल रख रहे हो। क्योंकि यार ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, तो हमें नहीं पता ऐसा कुछ होने वाला था, राइट? और अगर मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अगर वहाँ की बात करूँ, तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट होने के 70 दिन के अंदर अंदर 90 सुसाइडल रेट हुए थे ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण। तो बहुत बेकार सिचुएशन हो रही है आज मार्केट की, बहुत लोगों को हेल्थ इशूज हो रहे हैं। तो इसलिए ये मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि आप परिवार के साथ रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो और मज़े में रहो। अब अगर मैं ये COVID-19 पेंडेमिक की बात कर रहा हूँ, तो ये पेंडेमिक हमारे लिए कई और भी चीज़ें लेकर आई है, राइट? सबसे पहले तो बेरोजगारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आजकल लोगों की जॉब बिल्कुल नहीं बच रही है। जो लोग जॉब करते थे, या तो उनको जॉब से निकाल दिया गया या उनकी जॉब में कट ऑफ कर दिया गया। अब अगर 8,000 की सैलरी में किसी को 4,000 दे रहा, तो वो आज के टाइम पे किस तरीके से अपनी लाइफ चल कर पाएगा? तो बहुत बेकार सिचुएशन हो रही है ना? और बिफोर वी स्टार्ट, मैं इतनी गारंटी आपको शुरुआत में ही दे सकता हूँ कि अगर आपने इस वर्कशॉप को एंड तक देख लिया, अगर आपने इस वर्कशॉप को एंड तक देख लिया, इतनी गारंटी है आपको पैसों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इस वर्कशॉप को अटेंड करते ही साथ अगले महीने से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाने लगोगे। बट अगर आपने इसको सही से समझा और अगर आपने लर्निंग एटीट्यूड के साथ इसमें ध्यान दिया, तो आप अगले महीने से 10,000, 20,000, 40,000 तक का अमाउंट कमा सकते हो। बट दो शर्त ये है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे इस इंडस्ट्री में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, जो कि मेरी ही स्टोरी है। हर स्टूडेंट की लाइफ में, जब वो 12th पास आउट होता है, जब वो कॉलेज के लिए जाता है, तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब उसके बाद कई फील्ड रहती है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। मैं कॉमर्स का हूँ तो, या मैं CA में जाऊँ, MPPSC करूँ, कॉम्पिटेटिव करूँ, बहुत सारी फील्ड रहती हैं। बट जो मेरा सीन था, मुझे ऐसा था कि यार जॉब तो नहीं करनी है, जॉब मुझे नहीं करनी। क्योंकि मैंने जॉब वाले जब पर्सन को देखा था, जॉब वाले लोगों को देखा था, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यार इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं उनको देख रहा था, वो पहले भी परेशान थे, वो 10 साल बाद भी परेशान, और वो आने वाले 5 साल बाद भी परेशान ही रहने वाले। थोड़ा सा जॉब तो नहीं करनी। फिर क्या हुआ कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटी तलाशने लगा, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप जब बिलोंग करते हो, तो बिजनेस करना आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं होती। तो मैं कुछ अपॉर्चुनिटी तलाशने लगा, मैं इधर उधर देखने लगा कि मुझे क्या मौका मिल सकता है, मुझे क्या मौका दिया जा सकता है। तो ये चीज़ होती है ना कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश कर देती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। फिर एक शख्स से मैं मिला, मुझे एक इंसान से मिला, जो इंसान ऑलरेडी बहुत कामयाब था अपनी ज़िंदगी में, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था। उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई, और उस समय मुझे खैर कुछ समझ ज़्यादा नहीं आया था। बट मैंने मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं इसे नहीं करता तो क्या, मेरे पास फिर और क्या ऑप्शन है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और फिर मैंने इसे स्टार्ट करा। और अगर मैं पहले की और अब की बात करूं, तो यार पहले हर चीज़ के लिए घर वालों से पैसे मांगने होते थे। एज अ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है या वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, तो उसे पता चलेगा। बट आज ये सीन है कि यार बहुत कुछ अचीव हो चुका है लाइफ में और बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में। बट आज ये जो पहले थे वो वैसे नहीं है। अगर फाइनेंशियली बात करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे आज बात कर पा रहा हूँ, तो मैं पहले इतना केपेबल भी नहीं था कि मैं बात कर पाऊँ। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का था, क्योंकि मुझे बोलना भी उतने अच्छे से नहीं आता था। तो इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, तो मैंने सोचा अगर इंडस्ट्री इतना कुछ देती है, तो सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। हर एक इंसान को इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट? और बस सीखना ज़रूरी होता है इस इंडस्ट्री। तो मेरी लर्निंग एटीट्यूड हमेशा जारी रहा है ना। अब ये वर्कशॉप किन लोगों के लिए, मैं आपको बता दूं, जो एक अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं, जो एक मौके को तलाश रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग को ढूंढ रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार मुझे मौका दे दिया जाए, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्त बहुत सही जगह आए हो, और इतनी गारंटी है कि इस वीडियो को, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा एक कोटेशन से स्टार्ट करता हूँ। मतलब एक कोट है कि बाय एन अम्ब्रेला बिफोर इट्स रेन, हमें छाता खरीद लेना चाहिए बारिश होने से पहले। क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे प्रकृति है, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। किस प्रकार से, जैसे चींटियाँ हैं, चींटियाँ अपने आने वाले 4 महीने का राशन पहले से ही इकट्ठा करके रखती हैं। इकट्ठा करके क्यों रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बारिश का मौसम लगेगा, जब चौमासी लगता है, मुझे नहीं पता आपको चौमासी पता है नहीं पता, चौमासी मतलब होता है 4 महीने पहले कंटिन्यू बारिश होती थी। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो 4 महीने का राशन
जो बारिश में सामान लेने जा पाए, राइट। बट इंसानों को क्या सीख मिलती कि पहले उनसे बोला जाता था कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग होना बहुत जरूरी है, हमारी मल्टीपल सोर्सेस होना बहुत जरूरी है, पर इंसान सोचता था कि यार ठीक है अभी तो नौकरी चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अब COVID-19 आ गया, अब कोरोना वायरस आ गया, अब क्या करें? अब हमें नहीं पता ये कोरोना वायरस अगले 1 महीने रहने वाला है, 5 महीने रहने वाला है, 1 साल रहने वाला है, 2 साल, 10 साल रहने वाला है, बट हम क्या करें? जब तक हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें या घर पे बैठे रहें? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी सिचुएशन खुद बदलनी होगी। और जिस इंडस्ट्री से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, इतनी गारंटी, उस इंडस्ट्री ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली, मेरी जिंदगी बदल दी है, और वो आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है। बट शर्त यह है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आप इस वर्कशॉप को एज अ ऑपरेशन ले लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऑपरेशन से मेरा मतलब है कि जब भी कोई इंसान होता है, जब वो ऑपरेशन कराता है, तो वो खुशी खुशी ऑपरेशन नहीं कराता कि यार आज मेरा ऑपरेशन है, बड़ी मजा आने वाली है, राइट। वो मजबूरन कराता है, क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेशन किसी बीमारी का कराना है, उसे नहीं कराएगा तो वो बीमारी बढ़ेगी, और अगर कराएगा तो दर्द बड़ा होगा। बट ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये आज के समय की नीड है, आज के समय की ये इंडस्ट्री जरूरत है, और अगर आप इसको अभी समझते हो तो आपको बाद में ज्यादा दर्द नहीं होगा, पर अगर आप इसको बाद में समझते हो तो बड़ी तकलीफ होने वाली है। सो बिना ज्यादा समय गंवाते हुए इस वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि दोस्त, जो ये आज सिचुएशन चल रही है, ये बिल्कुल अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है। ये जो महामारी है, ये बहुत दिक्कतें लेकर आ रही है लोगों के पास, राइट। लोग अगर आज हम देख रहे हैं, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से परेशान है लोग, मेंटली परेशान है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारी या आपकी फैमिलीज पर भी पड़ रहा है। तो इस वर्कशॉप को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी फैमिली की और आपकी आने वाली फैमिली की भी जिंदगी बदल सकती है। शर्त ये है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आप इसे समझते हो तो आप जो अचीवमेंट पाने वाले हो ना यार, उसका कोई मोल नहीं है। सो इतनी गारंटी मैं अभी देता हूँ कि अभी तो आप मुझे खैर नहीं जानते, बट आप इस वर्कशॉप से जब एंड तक रहोगे, इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको मैं पसंद तो शायद जरूर ही आ जाऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग अपनी स्लाइड पर चलते हैं। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, वहां पर आपको प्रोजेक्ट डिटेल में समझाया जाएगा, तो बहुत फोकस के साथ वहां पर देखिएगा। अब आप सभी को एक स्लाइड दिख रही होगी जिस पे लिखा है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर माय डियर फ्रेंड्स? जैसा कि मैं पता है, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा निकाला था कि आप सभी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ रिलायल बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जॉब प्रोड्यूस कर पाए। इनफैक्ट गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो आज जॉब प्रोड्यूस कर पाए। तो आप बेरोजगारी की चपेट में ना आ पाओ, आप बेरोजगारी की चपेट में ना आ पाओ, इसलिए उन्होंने ये नारा निकाला कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आपको सेल्फ रिलायल बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। बट इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्लान डिजाइन करा जिसका नाम रखा हमने आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, और एक ऐसा सक्सेस प्लान है जिसमें आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगी, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया, जिसने हजारों लाखों जिंदगी में बहुत कुछ दिया, तो ये आपको भी दे सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप स्लाइड देख रहे होगी जिस पे लिखा है था चैंपियंस क्लब। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को एक मौका देती है, जो गाइडेंस देती है विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम देखती है, और आप किस प्रकार से इसका पार्ट बन सकते हो ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। सो दोस्त, मेरा नाम अमन उपाध्याय है, और मैं एक बिजनेस ट्रेनर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, यूट्यूबर हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट, एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द चैंपियंस क्लब। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या यूट्यूब पर आप मुझे देख सकते हो। ये थोड़ा सा बताना जरूरी था क्योंकि यार आप शाहरुख खान तो नहीं कि आप मुझे जानोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एरोप्लेन पे बैठूं पैराशूट पहन के और मैं कूद जाऊं और मैं पैराशूट को खोलूं ही ना, तो क्या मैं बच पाऊंगा? अब आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट कोई भी नहीं बच सकता, राइट। उसी प्रकार हमारा दिमाग काम करता है, अगर वो खुला रहेगा तो उसे समझ आएगा, वरना उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मुझे आपका ज्यादा समय नहीं चाहिए, आप मेरे साथ अगले 20 मिनट रहने वाले हो, और इतनी गारंटी है वो 20 मिनट आपकी आने वाली फाइनेंशियल जिंदगी, आने वाली आर्थिक लाइफ 360 डिग्री बदल सकते हो। बट दोस्त, शर्त ये है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वर्कशॉप को लेट के या बैठ के लेट के अटेंड कर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे प्लीज बैठ के अटेंड करो, क्योंकि एक बहुत प्रीमियम वर्कशॉप है, और जनरली हम इसके चार्जेस लेते हैं, बट फॉर यू इट्स फ्री। तो आपके लिए फ्री है, तो इसे कृपया बैठ के अटेंड कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं वर्कशॉप का क्या पर्पस है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि आज मार्केट में जॉब ऑलरेडी जा चुकी है, 14 करोड़ जॉब ऑलरेडी जा चुकी है, राइट। और बहुत सारे लोग अभी परेशान है जिसके स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस थे। स्मॉल बिजनेस किस प्रकार से, मान के चलो किसी का चाय का ठेला है, किसी का फुल्की का है, किसी का चाउमीन का है, जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे आज वो भी परेशान है, राइट। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक
अभी वो इंस्टाग्राम पे था कि बाबा का ढाबा करके दिल्ली के अंदर एक जगह थी जो कि 80 ईयर्स के अंकल आंटी थे जो बहुत परेशान थे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बाबा के ढाबा जैसे लोग आज परेशान हो रहे हैं, राइट। अब मैं बड़े बिजनेसेस की बात करूं तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बंद है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बंद है, तो बहुत बेकार सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड आज मार्केट की। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, हम देख रहे हैं कि देश की इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि आने वाले समय में सुसाइडल रेट बहुत बढ़ेंगे, लोग सुसाइड बहुत करेंगे, लोग आत्महत्या बहुत करेंगे, राइट, और लोग चोरियां बहुत करेंगे। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होना चालू हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं इसके चपेट में सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं आज, राइट। तो बहुत बेकार सिचुएशन हो रही है, बट अगर सब इतना बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बट उसे वही ढूंढ पाएगा जिसको वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना है। अब होता है ना कि जब चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा जरूर खुला होता है, बट वो सिर्फ वही ढूंढ पाता है जिसको वाकई में वो दरवाजा ढूंढना होता है, वरना लोग क्या करते हैं, बंद दरवाजे कोई खोलते रहते हैं, भाई कब खुलेगा दोस्त, नहीं खुलने वाला। वो जो अपॉर्चुनिटी है आपको वही देखना पड़ेगा। तो जो दरवाजा खुला है मैं आपको वही दिखाने आया हूँ कि अगर आप इस दरवाजे के अंदर आते हो तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली, राइट। वरना बाकी लोग तो है 2020 को ही कोसते रहेंगे कि यार बहुत बेकार साल है ये वो फलाना टिमका। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दोस्त, ये बिजनेस है ड्रीमर्स लोगों का। अब ये ड्रीमर्स लोग बड़े खतरनाक लोग होते हैं। किस तरीके से? अब इनके कुछ सपने होते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे मुझे सही मौका दे दिया जाए, मुझे कुछ सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, बट मुझे सही मौका दे दिया गया तो मैं बहुत कुछ पा सकता हूँ। तो यार अगर जिसका कोई ड्रीम ही नहीं है और जो कुछ करना ही नहीं चाहता तो यार ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, कृपया अपने कीमती 20 मिनट ना बर्बाद करें। बट अगर आपके सपने हैं और आप उसे पूरा करना चाहते हो तो यार ये बिजनेस आपके लिए है और ये वर्कशॉप आपके लिए है। अब जो ये ड्रीमर्स लोग होते हैं ना यार, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। खतरनाक क्यों? क्योंकि इनके जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ये अपने सपनों को साकार करने के पीछे जी जान लगा देते हैं, राइट। अब इनके कुछ सपने होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इनके सपने किस प्रकार से होते हैं कि यार इनके पास अच्छा खासा पैसा हो, पैसा इतना हो यार कि किसी के आगे झुकना ना पड़े, उनकी खुद की लग्जरी कार हो, इनका खुद का ड्रीम हाउस हो, इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, कहीं ना कहीं लोग आज फ्रीडम नहीं है, राइट। वो अपने फैमिली के साथ समय स्पेंड नहीं कर पाते, तो बहुत दिक्कतें हैं ये। उनकी समाज में रिस्पेक्ट हो, उनकी इमेज बहुत अच्छी हो, और अगर वो मेरी तरह ट्रैवल वाले पसंद हैं तो फॉरेन ट्रिप घूम पाए, और सेहत भी काफ़ी अच्छी हो। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ भी ड्रीम होता है, क्योंकि पहला सिख निरोगी काया ही कहलाता है, राइट। तो ये कुछ ड्रीम्स हैं। अगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पिक्चर में से आपके भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, हो सकता है सारे हो सकता है एक हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हो तो इतनी गारंटी मैं आपको अभी देता हूँ, इस अगर वर्कशॉप को अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप अपने सपनों को अगले 1 साल से लेके 1.5 साल में पूरा कर सकते हो। बट शर्त यह है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्त मैं आपको कुछ फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आप इस वर्कशॉप में आए हो तो मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि हमारे भारत में या फिर वर्ल्ड में 4 प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं और 4 प्रकार से वो पैसा कमाते हैं। अब जो पहली कैटेगरी है, जो कि पहली कैटेगरी से हम कहते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होता है? जो इंसान नौकरी पे जाता है। मैं आज नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, बट फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। कभी भी नोटिस करना, जो काम इंसान अपने 25 साल की उम्र में स्टार्ट करता है वही काम वो अगले 60 साल तक करता है, अगले 10 साल जीने के लिए। मैं गलत तो नहीं हूँ? और आप में से 90% लोग ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते, राइट। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनकी खुद की राशन की दुकान होती है, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। इनकी खासियत है इनको किसी की सुनना पसंद नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये लोग वर्क करते हैं एक्टिव इनकम पर। नाउ व्हाट इज एक्टिव इनकम? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें पैसा मिलेगा, वरना हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। आप ही बताओ, अगर ये दोनों कैटेगरी 2 महीने की छुट्टी ले लें और घर पर बैठे रहें तो क्या इनके घर पर पैसा आएगा? अब आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगा, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे आएगा, राइट। और माय डियर फ्रेंड, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है बिजनेस कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी। अब ये बिजनेस कैटेगरी क्या होती है? ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। अब ये किस चीज़ में बिलीव करते हैं? ये सोचते हैं कि यार मेरी टीम काम करे, मेरी टीम क्रिएट हो, और मेरी टीम के काम करने से मेरे पास पैसा है, और एक टाइम पे मैं काम ना भी करूं तब भी मेरे पास पैसा है। तो ये लोग क्या करते हैं, लोग अपने एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, लोग अपने एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उस नेटवर्क से पैसा कमाते हैं। आप किसी को भी ले लीजिए आज के टाइम पे, भले वो ओयो हो गया, जोमेटो हो गया, अमेजोन हो गया, जियो हो गया, जितने भी आज के बड़े बड़े स्टार्टअप हैं वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अब अगर ये और जनरल सी बात है, अगर कोई बिजनेस में बहुत अच्छा जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर बन जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर बनने के लिए पैसा लगा के पैसा कमाया जाता है, राइट। अब ये दोनों वर्क करते हैं पैसिव इनकम पर। पैसिव इनकम कैसी? यार मैं काम ना भी करूं तब भी मेरे पास पैसा है, मैं अगर 2 महीने घर पर बैठा रहूं कुछ भी ना करूं तब भी मेरे पास उतना ही पैसा क्रेडिट हो। तो
इस कैटेगरी में ये लोग आते हैं, बट बड़ी बात ये कि जो ये पहली कैटेगरी है दोस्त, इस कैटेगरी में ऑलरेडी 95% लोग आते हैं, ऑलरेडी 95% लोग हैं इस कैटेगरी में, और जो ये दूसरी कैटेगरी है इस कैटेगरी में सिर्फ 5% लोग हैं। पर बड़ी बात ये है कि जो ये 95% कैटेगरी है, इनके पास भारत का सिर्फ 5% पैसा है दोस्त। जी हाँ, सिर्फ 5% पैसा है इनके पास, और जो ये 5% कैटेगरी है, इनके पास भारत का 95% पैसा है माय डियर फ्रेंड्स। तो कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट होगी? अब बोलोगे ऑब्वियस सी बात है, बी कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट है, दूसरी कैटेगरी बेस्ट है जिसमें ज्यादा पैसा है। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें दूसरी कैटेगरी में आना है तो हम अभी तक आ क्यों नहीं पा रहे, उसके क्या रीजंस हैं? और अगर अभी तक हम नहीं आ पा रहे तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम 95% वाली कैटेगरी है। तो दोस्त, हमें क्राउड का हिस्सा नहीं होना, हमें भीड़ चाल का हिस्सा नहीं होना, हमें इससे बाहर निकलना है। तो वही मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस बी कैटेगरी में, इस 5% वाली कैटेगरी में आ सकते हो, जिसे दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो खुद काम करेंगे या तो टीम के लिए काम करेंगे। खुद काम करोगे बिल्कुल सर बड़ी सक्सेस अचीव नहीं हो पाती, बट अगर आपके साथ टीम है और अगर टीम काम कर रही तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो दोस्त, राइट। और इस कॉन्सेप्ट को जो लोग कहते हैं, इसे कहते हैं टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट, अपने समय के कार्य को बढ़ाना। मतलब अगर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे अंबानी हो गए, ये अपने 24 घंटे की साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तरीके से ब्रेक कर पाऊँ मैं 24 घंटों को, कैसे 40 घंटे, 100 घंटे, 1000 घंटे, 4000 घंटे कैसे बनाऊं एक दिन को। अब सोचो खैर ये कैसी बात हुई, तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा दोस्त, मुझे एक बात बताओ, अगर हमें करना तो बिजनेस है, आप बेशक अपने सपने जॉब से पूरे कर सकते हो, बट आज की जो सिचुएशन है, जॉब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। और जॉब कहीं ना कहीं हमें लाइफ तो देती है यार, पर लिविंग नहीं देती। हमें लाइफ तो देती है, हम अपने बिजली के बिल, हम अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें कर पाते हैं, बट जो लिविंग होती है ना यार, वो नहीं मिल पाती, वो हमें देता है बिजनेस दोस्त। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो 95% लोग हैं, ये बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते और इसका क्या रीज़न है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक अच्छा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादातर स्टार्टअप अगले 2-3 साल में ही खत्म हो जाते हैं, राइट। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती है, अगर आप एक राशन की दुकान भी खोलते हो तो राशन की दुकान के लिए भी 2 लाख से 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट लगती है, छोटी से छोटी दुकान खोलो आप। उसके बाद हमें नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड के बारे में जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सपीरियंस लगता है कि क्या आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, एफर्ट बहुत लगेंगे आपके, आपकी मेहनत बहुत लगेगी, आपका मैन पावर बहुत लगेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क होती है यार, क्या पता बिजनेस चलेगा क्या पता नहीं चलेगा, और कॉम्पिटिशन भी बहुत रहता है कि अगर आसपास किसी ने वही बिजनेस खोल लिया तो हमारा बिजनेस रुक जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं, इन्हीं कुछ रीजंस के कारण जो 95% लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो कभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं पाते, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं पाते, राइट। अब अगर वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो इसका क्या रीजंस, और हम किस प्रकार से उनका बिजनेस स्टार्ट करा सकते हैं, और अगर हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हम भी 95% वाली कैटेगरी में हैं अभी भी, राइट। बट अगर मैं आपको मौका दूं, अगर मैं आपको मौका दूं, ना आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सुना आपने, ना आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो, जीरो इन्वेस्टमेंट हो, जीरो नॉलेज आपको लगे, एक्सपीरियंस भी ना चाहिए हो, एफर्ट भी आपका ज्यादा नहीं लगेगा, और रिस्क भी 0% हो, और कंपटीशन भी ना हो, तो क्या हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करेंगे माय डियर फ्रेंड? अब आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल करना पसंद करेंगे। तो दोस्त, जिस इंडस्ट्री से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ, इस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए, जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में चेंजेस ला रहा है, और जो आपकी जिंदगी में चेंजेस लाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, उस इंडस्ट्री का नाम है, जानना चाहते हो, मिलना चाहते हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, चलो ठीक है मिला देता हूँ। सो दोस्त, जो मौका आपको देने वाली है इस इंडस्ट्री, अच्छा कैसा रहेगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस इंडस्ट्री में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब वो रिक्वायरमेंट क्या, ना आपको ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना रहेगा, ना ही आपको कुछ टैलेंटेड या हाईली स्किल्ड नॉलेज ज़रूरी है। मतलब कई लोग को लगता है मेरे अंदर स्किल नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा ये वो, और ना ही आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। सो उस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जानना है, सुनना चाह रहे हो? तो उस इंडस्ट्री का नाम है माय डियर फ्रेंड्स अफिलिएट मार्केटिंग। यस, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग आज बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है, और इसने कई बिलियनियर पैदा कर चुके हैं। अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स। अब अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, हम इसे समझते हैं, राइट। अब अफिलिएट मार्केटिंग में क्या रहता है कि एक मर्चेंट रहता है, बीच में एक अफिलिएट रहता है, और कस्टमर रहता है। मर्चेंट कौन रहता है, जिसके प्रोडक्ट रहते हैं। तो जब मर्चेंट प्रोडक्ट बनाता है, जो अफिलिएट रहता है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, और कस्टमर खरीदता है। तो जो प्रमोशन
क्या पैसा रहता है? कमीशन रहता है वो अफिलिएट को दिया जाता है। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और अफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं इसे जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला बेनिफिट अफिलिएट मार्केटिंग का होता है कि इसमें अनलिमिटेड इनकम रहती है। अब यहाँ पर ये कोई जॉब नहीं है, यहाँ पर कोई आपको टारगेट नहीं दिया जाता कि आपको इतना ही करना है, यहाँ पर आप अपना पेचेक खुद डिसाइड करते हो कि मुझे कितनी इनकम चाहिए। दूसरा, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपकी कोई क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ये डिग्री होना चाहिए, नहीं, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड ब्रांड। यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको कोई ऐसा गोदाम खोलने की, कोई ऑफिस खोलने की, कोई प्रोडक्ट ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब डिजाइन रहता है, बस आप उसको अफिलिएट करते हो, आप प्रमोट करते हो सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू और आपको उसका कमीशन दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसा गोदाम नहीं लेना, आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना, तो आपकी इसकी हेडेक नहीं रहेगी। दूसरा, लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट में बोलूँ तो जितने आपने कपड़े पहने होंगे जितने के, उससे कम में ही ये बिजनेस स्टार्ट होता है। कैन बी डन ओनली विथ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। ये मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर दोनों से ही किया जा सकता है। अगर कंप्यूटर नहीं भी है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है सिर्फ, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो इस बिजनेस को। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नो ऑफिस रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको कोई ऑफिस रिक्वायर्ड होना जरूरी नहीं है, आप इसमें कहीं से भी काम कर सकते हो, क्योंकि अगर मोबाइल फोन से हमें काम करना है तो हम घर से भी कर सकते हैं, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम अगर वेकेशन में, हम कहीं पर भी हैं, हम इसे काम कर सकते हैं। नो टारगेट्स, नो टाइम लिमिट, राइट। इसमें कोई टारगेट्स नहीं दिया जाता, हमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती कि आपको ये टारगेट पूरा करना है, आपको ये टाइम लिमिट में टारगेट पूरा करना है। यहाँ पर आप खुद के बॉस रहते हो, तो आपको अपना टर्म टारगेट खुद डिसाइड करना होता है। 24/7 कस्टमर इनफ्लो। अब देखो, लोग खरीदते हैं, लोग 24 घंटे खरीदते हैं, लोग रात में भी खरीदते हैं, दिन में भी खरीदते हैं, राइट। तो अगर आप सो भी रहे हो तब भी आपके पास पैसा है, अगर आप जाग रहे हो तब भी पैसा आएगा, क्योंकि लोग आपके थ्रू परचेसिंग करेंगे, राइट। उसके अलावा हाई कमीशन, यहाँ पे अफिलिएट में आजकल कमीशन स्टार्ट ही 25% से स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे बढ़ते 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 40%, 50%, 60%, डिपेंड करता है हम कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग 70% तक ही देते हैं। और आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको आज प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, वो आपको माय डियर फ्रेंड्स 90% तक का कमीशन देने वाला है। यस, 90% कमीशन आपको मिलेगा एफिलिएट पे। तो सोच के देखो कितना ज़्यादा स्कोप है इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। अब कुछ मिसकंसेप्शन हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, कुछ मिथ्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर हाईली स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी स्किल नहीं है तो आपको यहाँ सिखाया जाएगा बेसिक से, आपको स्क्रैच से यहाँ सिखाया जाता है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। दूसरा मिसकंसेप्शन लेता है कि आपके 1000s ऑफ फॉलोअर्स होना ज़रूरी है। मेरा तो ज़्यादा फॉलोअर मतलब सर्कल ही नहीं है, फ्रेंड सर्कल ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा इसे, मेरे तो व्हाट्सएप पे 200 ही कॉन्टैक्ट हैं, 500 ही कॉन्टैक्ट हैं, मैं तो इसे कर ही नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके फॉलोअर्स भी नहीं है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, क्योंकि सीखना पड़ता है। आपको जो मैं अभी प्लेटफॉर्म बताने जाने वाला हूँ उसमें आपको यही सिखाया जाएगा कि आपको ऑर्गेनिकली लीड्स कैसे जनरेट करनी है, बिना पैसा लगाए, बिना एनी इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद इसको हमें फुल टाइम करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने कंफर्टेबल टाइम के अनुसार इस बिजनेस को कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले तब इसे कर सकते हो। रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया था, जितने कि आपने कपड़े पहने होंगे उतने से कम में ये बिजनेस स्टार्ट होता है। तो जो भी ये मिसकंसेप्शन है, ये कुछ मिथ्स थी जो एफिलिएट मार्केटिंग में थी, जो कि प्रॉपर गलत थी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलो मैं आपके साथ एक सीक्रेट रिवील करता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में किन किन नॉलेज की बहुत ज़रूरत हमें एग्जैक्टली होती है। तीन चीज़ें हैं जो हमें एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा तेजी से आगे ग्रो कर सकती हैं। फर्स्ट है माइंडसेट, दूसरा है स्किल सेट और तीसरा है एक्शन। अब माइंडसेट से मेरा बिल्कुल भी कोई मोटिवेशन का मतलब नहीं है। माइंडसेट का मतलब ये है कि आपको राइट प्रोडक्ट चूज़ करना है, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आप रेकमेंड करते हो, जिसकी नेसेसिटी हो, जो सॉल्यूशन दे रहा हो और जो वैल्यू फॉर मनी हो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि लोग सॉल्यूशन को ही आपको पे करेंगे, है ना। दूसरी चीज़, आपके पास राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। राइट प्लेटफॉर्म किस तरीके से, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो और ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम मिले आपको उसके साथ। स्किल सेट की मैं अगर बात करूं तो उसके लिए आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग से मेरा कुछ भी मतलब नहीं है कि आपके बहुत फॉलोअर्स होने चाहिए एंड ऑल। पर्सनल ब्रांडिंग से मतलब है कि आप लोगों को देखो, आपके लोग चेहरा देखें, आपको लोग जानें, आपको लोग पहचान पाएं, इसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसका एकमात्र रास्ता है वीडियो मेकिंग। अगर आप आज वीडियो बना रहे हो तो आप लाइफ में बहुत आगे एक एज लेने वाले हो, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग आज के टाइम की डिमांड है। लोग ज़्यादातर लोग आज ना ही पढ़ना पसंद करते हैं, ना ही सुनना पसंद करते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आप वीडियो बनाते हो तो आप लोगों की नज़रों में आते हो, ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है और लोग आपके साथ स्टार्ट करना पसंद करते हैं, राइट।
दूसरा है कंटेंट प्रमोशन, कंटेंट आपको प्रमोट करना पड़ेगा, जो भी आपका कंटेंट रहेगा उसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, आप कहीं भी प्रमोट कर सकते हो जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इंक्रीज होगी। तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग, आप जब इस चीज़ को स्टार्ट करते हो तो आप साथ में डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो कि हम डिजिटली अपने आप को मार्केट कर पाए माय डियर फ्रेंड्स, और जब हम अपने आप को मार्केट करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होना चालू हो जाते हैं, तो इसमें आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी सिखाई जाएगी। स्किल सेट, स्किल सेट में रहता है लीड जनरेशन, हम लीड्स कैसे जनरेट करें, हम कहां से लोग लाएं अपने पास, राइट। तो इसमें आपको जो मैं प्लेटफॉर्म बताने जाऊंगा उसमें आपको बताया जाएगा ऑर्गेनिकली व्लॉग, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता होता है पेड प्रमोशन, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, हम इससे भी लीड जनरेट कर सकते हैं, बट इसमें पैसा लगता है, बट हम आपको सिखाएंगे ऑर्गेनिकली आपको लीड्स कैसे जनरेट करनी है माय डियर फ्रेंड्स। स्किल सेट में थर्ड आता है कन्वर्जन स्किल। अब कन्वर्जन स्किल क्या होता है कि मान के चलो आपके पास लीड्स आई, लीड्स ने आपसे पूछा, आपने उसे बताया, अब वो जब तक आपका प्रोडक्ट परचेस नहीं करता तो जब तक वो कन्वर्जन नहीं हुआ, राइट। इसमें कन्वर्जन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका बातचीत करने का तरीका कैसा है, जो कि हम आपको सिखाएंगे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप। ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे एक बार में आपका प्रोडक्ट ना ले, उसे बार बार फॉलोअप की जरूरत पड़े, तो वो आपको मैं सिखाऊंगा पर्सनली अगर आप हमारे थ्रू होते हो कि आपको फॉलोअप कैसे लेना है, आपको व्हाट्सएप स्टेटस का कैसे इस्तेमाल करना है, इंस्टाग्राम का क्या यूज़ करना है, ब्रॉडकास्ट कैसे क्रिएट करनी है, ब्रॉडकास्ट पर क्या पोस्ट करना है, ये आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर और हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर। अब थर्ड है एक्शन। अब देखो अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं, यहां पर आपको एक्टिव लर्नर बनना है, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी अप्रोच में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके चलनी है, राइट। क्योंकि एक लीडर की खासियत ये होती है कि वो अपने आप को डिसिप्लिन रखता है। लोग अफिलिएट मार्केटिंग में स्ट्रगल क्यों करते हैं, अब इसका हम रीजन समझते हैं। उनके पास परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं, उनके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं जहां वो लर्न कर पाए, वो सीख पाए नए नए स्किल्स, राइट। दूसरा उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, जो वो किसी के भी साथ स्टार्ट कर लेते हैं अपना कुछ पैसा बचाने के चक्कर में, बट उनको गाइडेंस नहीं मिलती और वो कुछ समय बाद 90 दिन के अंदर अंदर वापस से अपने ट्रैक पर वापस आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं उसको। तीसरा होता है उनके पास मेंटोरशिप नहीं होती और सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। तो जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं उसके अंदर प्रॉपर आपको मेंटोरशिप दी जाएगी, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, डेली मीटिंग्स होती हैं, डेली ट्रेनिंग्स दी जाएंगी आपको, कोई भी आपको प्रॉब्लम है 24/7 आपके लिए मेंटोर्स अवेलेबल रहते हैं यहां पर। तो हमारा एक प्रूवन इकोसिस्टम है जो आपको प्रोवाइड कराएगा नेसेसरी स्किल्स, जो आपको स्किल्स बहुत जरूरी हैं, आपको राइट डायरेक्शन और राइट प्लेटफॉर्म बताया जाएगा, आपको अनपैरेलल्ड मेंटोरशिप दी जाएंगी जहां आप सीख पाओगे कि कैसे करना है, क्या क्या करना रहेगा, स्क्रैच से हमें कैसे आगे बढ़ना है और किन किन स्किल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको इनिशियली ही यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको मुलाकात कराने जाना, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है माय डियर फ्रेंड्स, 60,000 कमाने लगते हो, अगर आप 30-40,000 या 60,000 कमाने लगते हो, तो ऐसा कौन सा एक इंसान होगा जो आपकी सफलता पे, जो आपकी सक्सेस पे आपसे भी ज़्यादा खुश होने वाला है। हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान ज़रूर होते हैं जो हमारी सक्सेस पे हमसे भी ज़्यादा खुश होते हैं। हो सकता है वो आपके घर वाले, हो सकता है मम्मी, हो सकता है पापा, हो सकता है आपके भाई बहन, हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर हो। आप एक बात बताइए, क्या आप उनकी खुशी के लिए, क्या आप उनकी खुशी के लिए छोटा सा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मेरे को ऐसा बताया गई थी ये वर्कशॉप, मुझे प्लान बताया गया था, तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। मैं कहना क्या करा, मैंने समझा तो मैंने अपने दोस्तों से सलाह मांगी। अब मैंने तो दोस्तों से सलाह मांगी, उनने इतने प्यारे रिजल्ट दिए, उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ लगा है भाई, इन सब कुछ नहीं होता, फालतू काम है, कहाँ लगा हुआ है सब करने में। अब वो दोस्त थे फूकने वाले दोस्त, फूकने वाले से आप समझ गए होंगे, राइट। अब मैंने सोचा कि अगर मैं इनकी बात मानता हूँ तो मुझे भी इनकी जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी और मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि यार नुकसान तो वैसे भी कुछ नहीं है, मैंने इसको समझा, मैंने स्टार्ट करा, इनिशियली ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेते लेते कब पता नहीं चला कि आज लेवल इतना अच्छा हो गया यहाँ पर और लाइफ काफी अच्छी है। तो यार जब हम कर सकते तो हम आपको भी सिखा सकते हैं कि कैसे करना है। अब हमारी एक दिक्कत है कि हम राय बहुत मांगते हैं दोस्त, जब तक हम दूसरों से अपने निर्णय मांगेंगे ना, जब तक दूसरों से अपने डिसीजन पूछेंगे ना, तो हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं करने वाले। जब तक अगर आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे, अगर हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे तो क्या करेंगे हम लाइफ में, राइट। और अगर आप की एज मुझे नहीं पता क्या है, आप 18 साल के हो, 19, 20, 21, 24, 30 साल के हो, बट अगर इस एज में हमारे पास 5,000, 10,000 या 15,000 रुपये नहीं है, अगर इस एज में हमारे पास 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये नहीं है, तो उसमें हमारी गलती है, 100% हमारी गलती है। बट अगर आज से 2 साल बाद, बट अगर आज से 6 महीने बाद भी अगर हमारे पास 5,000, 10,000 रुपये नहीं होंगे, तो उसमें 100% हमारी ही गलती रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने एक्शन नहीं लिया, हमने समझा नहीं, राइट। तो
थैंक यू सो मच इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। आई होप आपको एकदम क्लियर समझ आया होगा मेरे थ्रू आया, तो अब बाकी की चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा उस पर, राइट। और ये यही बोलूंगा कि यार आज के समय की नीड है, आज के समय की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। क्योंकि इंसान दो ही तरीके से बदलता है, या तो वो खुद बदल जाए या तो समय उसे बदल दे। तो दोस्त अगर खुद बदलते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशॉप पसंद आई होगी, और अपनी लाइफ के लिए इनिशिएटिव लो यार, जिसमें मैं आपका साथ रहने वाला हूँ और आपका हाथ पकड़ के हमें आगे चलना है, राइट। तो यही बोलूंगा, हाथ पकड़ लो और बहुत आगे जाने वाले हैं। और मैं यही बात बोलूंगा कि आप राय, हमारे यहाँ पे दिक्कत ये कि फ्री की राय और 5 रुपए की चाय हर जगह मिलती है, राइट। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर हमें बिजनेस करना है तो आप उससे पूछिएगा जो ऑल बिजनेस में सक्सेसफुल हो। क्यों, अगर मान के चलो मुझे BMW लेनी है और मैं ऑटो रिक्शा वाले से पूछ रहा हूँ कि भैया मुझे BMW लेनी है, बताओ लूँ कि ना लूँ। भाई यकीन नहीं मानोगे, BMW की 10 बुराइयां बता के ऑटो की 100 अच्छा ही बता देगा वो मुझे, और बोलेगा फालतू है कहाँ ले रहे हो, सबसे अच्छी जगह 4 साल बनते हैं, राइट। तो सलाह ऐसे इंसान से लो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, जो ऑलरेडी कुछ कर रहा हो, और जो दोस्त से हम सलाह मांगते हैं अगर आप उसके जैसी जिंदगी जीना चाहते हो यार, तो क्या ही हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, राइट। और मैं ये बोलता हूँ जो इंसान मुझसे मिलते हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, कल को मान के चलते हैं कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें पैसा ही लगता है, राइट। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई होप आपको ये वर्कशॉप पसंद आई होगी। अगेन मैं ये बोलूंगा, ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, परिवार के साथ अच्छे से रहो, मजे में रहो, राइट। और इसको समझो यार, ये कॉन्सेप्ट जरूरत है आज के टाइम की, और आपको आपके फैमिली के लिए भी जरूरत है, आपकी खुद के लिए भी जरूरत है। अगर आप इसको समझते हो तो आपसे 1 साल बाद और 2 साल बाद आप कहाँ पहुंचने वाले हो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप करना क्या है, जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए और उसके बाद आपको बताया जाएगा किस तरीके से करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।